पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन सतगुर साहेब संत सबे दंडो तम परनामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुबेसुन सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर हरदमम वे पर्व पर पार नहीं मद तम ग्रीब जो सुमर सद होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद करवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ परम शक्ति संगीत मृद सिद्ध दाता सोई अविगत गुण अलीतम जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशिष भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जामे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुखामे पूजे गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा बल पावे देतिस कोटे दारा जावे से सेठासी उतर भोजल पारा पते अंकी भांसी तेतिस कोटे दारा जावे से सेठासी उतर भोजल पारा कटे अंकी भांसी सत्साई। आज परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहेब तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष कबीर साहेब, सतपुरुष के अवतार बंदी छोड़ कबीर साहेब व गरीबदास महाराज की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम आज सत्संग रूपी गंगा में अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए आत्मा कल्याण के लिए कुछ समय इस संसारी कार्य से निकाल करके आज सतगुरु की शरण में सतगुरु के चरण में आए हैं। इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उससे भी वह दिन हमारा बहुत ही भाग्य का होगा, अच्छे हमारे शुभ संस्कार होंगे जिस दिन हम सत्संग में आकर के परमात्मा की चर्चा सुनते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। आत्म कल्याण का हमें मार्ग प्रशस्त होता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था। अच्छे हम ज्ञान जो है सत्संगत से प्राप्त करते हैं, बुरी जानकारी हमें कुसंगत से होती है। परमात्मा के बारे में जानकारी केवल एकमात्र सत्संग से होया करे और सत्संग जिस दिन हमें प्राप्त होता है वह हमारा बहुत ही पुण्य का दिन होता है। ना जाने पिछले जन्मों की कौन कौन सी अच्छी कमाई, युगों युगों के हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं, तब हम सत्संग की तरफ सोचते हैं और सोचने के बाद वो दिन प्राप्त होना, वो समय प्राप्त होना, वो घड़ी जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या बड़े भाग्य प्राप्त होती है। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी व सतगुरु कबीर साहेब तथा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें देख रहा है कि ये बच्चे उस परम पिता परमात्मा के आज उनके दरबार में आए हैं। उनको इतना भी ज्ञान है कि कौन भक्त आए हैं और कौन नहीं आए हैं, किन कारणों से नहीं आ पाए। तो ये कुछ समय होता है, कुछ ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है परमात्मा की तरफ से कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को
इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। जिस प्रकार आज कितनी ठंड है और कल भी बहुत सर्दी थी, और इस समय में ऐसे भी भगजन होंगे जमींदार जिन्होंने बेचारों ने रात्रि में पानी दिया होगा अपनी फसल में नहर से या ट्यूबवेल से, जबकि हम सर्दी के अंदर अपने घर में बैठ कर भी रजाई का प्रबंध किया हुआ था और कोशिश ये थी कि कोई हीटर भी लग जावे कमरे में तो गर्मी महसूस हुआ, नहीं तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, और वो बेचारे घुटनों तक पानी में, ऊपर से शीत लहर, और वो उस पानी के अंदर, उस सर्दी के अंदर ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। ऐसे समय में वो भक्त, वो ज्ञानी जीव सच अपने खेत में खड़ा हुआ था। वो ज्ञानी क्यों है कि उसने इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अगर आज मैं पानी देने नहीं जाता हूं तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुन लेने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात अवश्य घर कर जानी चाहिए, इतना पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम सत्संग में आज नहीं जाते हैं, ये कोई रोज रोज नहीं हुआ करते, साल भर में मुश्किल से हमें कोई ऐसा समागम जिसमें परमात्मा की वाणी को विस्तृत जानकारी दी जाती है खोल कर सुनाया जाता है। उस जमींदार की त्रिया इतना दृढ़ निश्चय, जिसको अजर विश्वास कहते हैं, एक तो होता है निश्चय, एक होता है विश्वास, और तीसरा गरीबदास जी महाराज कहते हैं जरना होता है। जिसको जरना हो गया वो बेचारे आज सैकड़ों किलोमीटर से चलकर इसी सर्दी में अपने बच्चों समेत आज सच्चे दरबार में उस परमात्मा की रजा का लाभ उठा रहे हैं, और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, उनको जरना नहीं हुआ। विश्वास तो है कि भगवान के नाम के बिना गुजारा नहीं है, इतना विश्वास है। वो बेचारे ये सोच लेते हैं चलो घर में कर लेंगे अपना, कोई बात नहीं, आज सर्दी है कल धूप निकल आओगी तब चल पड़ेंगे, वो भी चोखा। लेकिन जरना जिसका हो गया भाई बात बनेगी उसकी। कहते हैं कि जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज और जरना ऊपर होते हैं ये सकल संपूर्ण काज। जब जरना हो जाएगा, जब विश्वास हो जाएगा, तब हमारे कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे। तो आज जो सत्संग में आए हैं इसी ठंड के अंदर, ये 13 दिसंबर और ये ठंड, और उसके बावजूद भी आप सत्संग में आए हो तो यही कहा जाएगा कि आपको जरना हुआ है ईश्वर के बारे में, परमात्मा की बात का जरना हुआ है कि इसके बिना गुजारा कति नहीं है, और ये है भी सत्य और रहेगा भी सत्य। जिन्होंने, महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि समझा है तो सिर धिर पा, भाई बहुर नहीं है ऐसा दाव, समझा है ये बात आपके ज्ञान में आई है, आपके चित्त में ये बात समाई है कि नाम बिना गुजारा नहीं है, सत्संग बिना जीव का कल्याण नहीं है, तो फिर काहे की इंतजार करते हो। सिर धर पांव, सिर पर पैर रखना बहुत तेज दौड़ना, सिर पर पांव रखना बहुत तेज दौड़ना। तो सतगुरु महाराज कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव और बहुर नहीं है ऐसा दाव, ना तो ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा, और मनुष्य शरीर कहीं मिल भी गया किसी युग में हजारों वर्ष लाखों वर्ष लख 84 भोगने के बावजूद, और वो हो गया ऐसे स्थान पर जहां पर परमात्मा की चर्चा का होना भी मुश्किल है, तो उस मनुष्य जन्म से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो यहां सतगुरु महाराज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रथम तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई, और मनुष्य जन्म मिल भी गया तो यह बात समझ में नहीं आओगी जो आपके आ जाई से, ये बड़ी मुश्किल से बात बनती है। पता नहीं कितने सत्संग सुनने से इस बात का अंतःकरण में कुछ थोड़ा सा विवेक बने से कि
कि भगवान के नाम के बिना भाई कोई नहीं गुजारा, क्योंकि सभी संत संत प्रमाण देते हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि नाम के बिना जीव का गुजारा नहीं भाई, और नाम मिले सत्संग से, और सत्संग से हम विमुक्त तो को नहीं बात बढ़े। तो सत्संग में आइए और ऐसे आइए जैसे सिर धर पांव, सिर पर पांव रख के भागना, बहुत तेज दौड़ना। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, या देहे न बारंबार, और तरवर से फल झड़ पड़ा, यू फेर ना लागे डर। एक बार एक फल या पत्ता कहिए, वृक्ष से एक बार झड़ जाता है दोबारा उस पर नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार संतों ने इस मनुष्य जन्म को बताया है, एक बार आपके हाथ से छूट गया कोई फेर नहीं मिलेगा। इससे पहले पहले आप आने, इससे बहुत कुछ लाभ उठाना है वो आप कीजिए। तो इसकी जानकारी कहां से होती है? सत्संग से होती है। आज आपका सौभाग्य है कि आप सत्संग में आए हो। अभी आपको हम सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी का वो रहस्य आपको बताएंगे, जो कि सतगुरु महाराज ने अपने सतलोक से आकर के हमें बताने की कोशिश की, लेकिन ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता। हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले तो हम दो सत्संग किया करते थे, दोनों दिन दो अखंड पाठ चलता था, चलता है, लेकिन अब समय अभाव के कारण अखंड पाठ ज़्यादा हो जाने की वजह से हम केवल एक सत्संग ही कर पाते हैं। हमारी मजबूरी हुई, लेकिन साथ में खुशी हुई कि जो कि हरियाणा में परमात्मा बंदी छोड़ गरीब दास जी को कोई जाने भी नहीं था, आज उनकी अमृतमय वाणी का अखंड पाठ गांव गांव में और घर घर में हो रहा है। लेकिन समय अभाव के कारण, अधिकता हो जाने के कारण हम पूर्ण रूप से सत्संग वहां नहीं फरमा सकते। उसमें एक साधारण सी जानकारी दे सकते हैं जो कि नए भक्त को दी जाती है, लेकिन जो असली तत्व है वो इन सात दिनों के अंदर आपके सामने आओगा। और जो इन सात दिन के समागम को रुचि से एकाग्रचित करके और अपने मन को स्थिर करके और ध्यान से सुन लेगा, फिर उसके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आवेगी और ना ही वो इस माया के बैम में, माया के चक्कर में फिर उलझ पाओगा। संतों ने, बंदी छोड़ गरीब दास महाराज जी ने ऐसे ढंग से हमें बताने की कोशिश करी है कि देख भाई, कहीं आपको यह वहम ना रह जावे कि भक्ति का करना केवल उन व्यक्तियों का काम है जो कि घर छोड़ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं और बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और वहां पर तप आदि करते हैं, गुफा बना लेते हैं, शरीर पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, अंग पर राख लपेट लेते हैं, छार लपेट लेते हैं, बर्फ के अंदर खड़े हो जाते हैं, कोई सिर के ऊपर ठंडा नीर बरसाता है सर्दी के मौसम में। तो हम समझते हैं कि इतना कठिन कार्य, तोबा तोबा करते हैं कि हे भगवान, इतना कठिन कार्य कि ऐसी सर्दी में, जबकि हमने तो वैसे ही ठंड लग रही है अपनी दर्सी और रजाई के अंदर भी, और एक भक्त एक मटके के अंदर सैकड़ों छेक करवा लेता है और उसको एक तिपाई के ऊपर रख कर और उसके अंदर बहुत ठंडा जल ऊपर डलवाता रहता है मटके में, और मटके में से पानी झर के झरने के रूप में और उस भक्त के ऊपर, उस संत के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी सर्दी में जब हम उसकी इस प्रक्रिया को देखेंगे तो एकदम कलेजा हिल जाता है कि इतनी ठंड में और ये बर्फ के पानी को अपने ऊपर डाल रहा। तो उस समय ये मन तोबा कर जाता है कि भाई भक्ति मारे बस की को ना, हम नहीं कर सकते इसका। लेकिन बंदी छोड़ गरीब दासियों ने इसको बहुत आसान किया है, इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थी। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी, हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे,
जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, रहे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, इन्होंने अपने बच्चों के सारी क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया और साथ में उनका पालन पोषण भी किया और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीब दास जी सारे काम को करती हुई पार हुए तो हम भी हो सकते हैं, उसके बाद हमारी रुचि बढ़ी। और फिर बंदी छोड़ने लिख रखा गरीबदास जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, भाई नाम खाते नाम पीते तो नाम से थी लागबे। एक नाम से मुक्ति होगी, ना तप से मुक्ति होती है, ना केवल पाठ करते रहने से मुक्ति होती है, और ना ही किसी तप बर्फ में खड़ा हो जाने से या चार धुना के बीच में पांच धुनों के बीच में बैठ जाने से जीव मुक्त हो सकता है। उससे कुछ और उपलब्धि होती है। तो जब हमने बेरा पता चला, इस बात का ज्ञान हुआ कि परमात्मा के पाने का तरीका भी और है, वो साधन भी और है जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति नहीं करनी अपन, तब से सिद्धियां आ जाती हैं। और कोई मौन बैठ जाता है छह महीने साल भर दो साल चार साल वर्ष, तो उसको भी सिद्धियां आ जाती हैं। उन सिद्धियों से छोटे मोटे चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धि नौ निधि ये भी हमें नहीं आवश्यकता। हमने केवल आवश्यकता है तो अपने आत्म कल्याण की और जन्म मरण से पीछा छुटवाण की है। वो कैसे छूटे हमने इस बात, तो सतगुरु महाराज ने हमें बताया कि जिस प्रकार मैंने कार्य किया, जिस प्रकार मैं रहा, मेरी रहनी को देखो, भाई बच्चे भी हुए, उनको पाला पोसा, फिर उनकी शादी करी। आज गरीबदास महाराज के 70-80 के करीब उनका जो है ना घर है, वहां पर गांव में परिवार है। 8वीं-9वीं पीढ़ी सतगुरु महाराज की चल रही है गरीबदासियों की। वहां पर लगभग 300-400 उनके 500 के करीब महाराज की जनरेशन है, उनकी संतति हो चुकी है छुड़ानी के। तो उन्होंने हमें यह बताया कि भाई इस बैम में मत रहना कि भक्ति वही लोग क्या करते हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर जटा बढ़ा रखी हो, या बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता हो, चारों वेदों को बहुत ही लतीफेदार ढंग से सुना रहे हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये अलग वस्तु है, वो अलग वस्तु है, परमात्मा पाना ये अलग वस्तु है, ये साधन भी नाराज है। एक समय की बात है, एक राम राय नाम का एक पंजाब का बहुत बड़ा रईस आदमी वासियर गांव के अंदर रहता है, था लुधियाना के पास एक वासियर गांव है। तो वहां पर गरीबदासियों का एक शिष्य सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य निकलने से पूर्व थोड़ा सा पहले, एक कुएं के ऊपर स्नान करके वहां पर गरीबदास महाराज का नित्यनेम कर रहा था, वाणी को उच्चारण कर रहा था बहुत ही सुरीले ढंग से। और वो राम राय सुबह सुबह घूमण की के लिए गया था। अब सर पंजाब के लोग जो हैं वो जय श्री नानक साहेब की कृपा से वाणी के बहुत मर्मज्ञ हैं, वाणी को संत वाणी को बहुत प्यार करते हैं। एकमात्र अगर कोई सृष्टि में ग्रंथ है तो सिख धर्म का है, जिसने उसमें उन्होंने किसी मजहब को या धर्म को नहीं अपनाया। सिख कोई धर्म नहीं है, सिख नाम शिष्य का होता है, हिंदी में उसे शिष्य कहते हैं और पंजाबी में सिख कहते हैं। सिख कोई मजहब या धर्म नहीं है। आज जो सिख परंपरा के अंदर उन्होंने जो ग्रंथ साहिब बना हुआ है उसके अंदर 39 संतों का समूह वाणी है, संग्रह वाणी है। 39 संतों की न्यारी न्यारी उनकी वाणियां हैं। तो उसमें वो भी संत हैं जो राम भगवान कृष्ण आदि के उपासक थे, नामदेव जी, श्री तुक्का जी और श्री ज्ञानेश्वर जी,
ऐसे बहुत से संत हैं, मीरा बाई जी, धन्ना जी, उन सब संतों का की वाणी, उनका एक समूह जो है संग्रह ग्रंथ है। तो उसके अंदर सभी संतों की वाणियां हैं, उनका ज्ञान है, अपना अपना मार्गदर्शन है, बड़े आदर से उनका पाठ करते हैं। और सुबह सुबह उठकर कम से हर गांव में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा हमने एक मान रखा कि वो केवल सिखों का ही होता है। हाँ, होता तो सिखों का है, सिख माने शिष्य, वो शिष्य का होता है। लेकिन कोई शिष्य हो, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं, ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं, तो वो शिष्य है। तो गुरुद्वारा है जहां पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है, उसमें सिख धर्म, सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहब उन्होंने समूह बनाया है, उसके अंदर अपने कबीर साहब की वाणी 40% है अकेलों की। बाकी 60% वाणी 10 सिख गुरुओं की, और साथ में 28 दूसरे संतों की वाणी है, जो केवल 60% माजत। तो वो भी कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं। इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणाट उठा है। कोई भी ऐसा, मैंने पहला क्षेत्र देखा है पंजाब में जब जाते हैं, जब कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है तो कोई भी एतराज नहीं करेगा किसी प्रकार का भी। सब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत चंगी गल है, कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का, हमारे बंदी छोड़ गरीब दास कबीर साहिब की कृपा से, तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं, दुखी होते हैं। अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो, ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में आपके घर में सुख भी नहीं होगा, तो शुरू शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख मानने से इस बात का। और फिर जब देखते हैं हमारी एक एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतःकरण को साफ करते हैं, उस सारे परिवार का अंतःकरण साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर इस सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीबदास महाराज है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है, तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे, देखा देखी जैसे भी अपनी साधना, कोई आठम, कोई छठ, कोई चौथ, कोई पांचम, कोई ग्यास, कोई द्वादशी, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जा करके अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जा करके कि गरीबदास महाराज जी ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ से, हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से, पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं, यहाँ हरियाणा की आदिभाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो, ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे, एक तरफ से उसको गैरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से नहीं, उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए, वो सुबह उठ जाया करते 2-3 बजे और कटाए कट, कटाए कट शुरू शुरू में, और काट का ढूला दिया करते,
फिर वो दूसरी मशीन चली दो हाथ से घुमा करके और दो फरसे उसमें होते हैं उसने काटन की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी, यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडा अच्छे थे, ये तो वे मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की कितनी खूब हाथ की वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई मोटर चल पड़ी तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुखी सुख महसूस होगा, एक एक परिवार के अंदर लगभग दो दो तीन तीन व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे, चार चार भी भाई भाई सारे पिया करते थे। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी कि कितना दुख होता है कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं, लख 84 में चले जाओगे, एक बार सुना दूसरी बार सुना तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चाहूं था कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जो वाणी है ये यहाँ हरियाणा में प्रवेश करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस इतनी आवश्यकता से अधिक होगी, उम्मीद से भी ज्यादा होगी। उम्मीद नहीं थी कि ये भगतन इतने जल्दी से इस बात को समझ लेंगे, पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, कबीर साहब ने अपनी पूरी रजा बख्श के दिखाई है कि ये काम मैं कर सकता हूं, जो ये कहन लाग रहे से जो आपको ये रोजाना बताते हैं ये कार्य मैं कर सकता हूं, और वो करके दिखाया है। जब इन भक्तों का यह बात समझ में आई है कि कबीर साहब भी कोई परमात्मा शक्ति है। यहां पर भी आपको मैं सैकड़ों सारे सैकड़ों आए हैं, पर इनमें तो सारे के सारे के घर में जो जो सुख हो रहे हैं ये अपने मुंह तो बता सकते हैं जब से सतगुरु शरण में आए, लेकिन 1-2% जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ उसके पीछे रहस्य बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना और हंसा मौत नहीं पावता तेरी चोक चाकरी में, अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौत भगवान नहीं बख्श रहा है कबीर साहब तो तेरी चाकरी में तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर। नहीं जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में अभी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र, मान में म्यान कहते हैं तलवार का जो ऊपर का कवर होता है उसके अंदर दो खड़ग दो तलवार नहीं समा सकती, किसी रूप में भी नहीं समा सकती, इतना इम्पोसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस और राख्या चाहे मान, एक म्यान में दुवी खड़ग भाई देखी सुनी ना कान। तो अहंकार तो एक लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिन में अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ दर्शन हुआ आत्म कल्याण है। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़न में कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़े सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में है, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर, और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवाश और काल पड़े भू लेटना तर ऊपर जम घास, काल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा और वहां फूक फाक थोड़ी सी राख हो जाएगी और उसके ऊपर फिर तेरा
घास जामेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, एक शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुन्नी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने, और विकार किए बीड़ी शराब मास्तमा को प्रयोग करते रहे, उनको लक्ष 84 प्राप्त होगी। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं और फिर भी अभिमान रह गया, तो फिर भी आप लक्ष 84 में जाओगे। वो दूसरी बात है कि आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको, फिर ना जाने 1000 वर्ष में सूत बैठे, फिर ना 10000 वर्ष में सूत बैठे, ऐसे सत्संग का कि जिसमें आज आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो लक्ष 84 के अंदर हम कुत्ते बनते हैं, प्रथम जीवन कुत्ते का ले लो, सवान का, जो कि बहुत आसपास हमारे होता है, और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि घुमा कर देख लो, बस ज्यादा नहीं। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी, अरे कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी, एक मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया, फिर कोई टांग तोड़ दे आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी, क्यों पावेगी, कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचाड़े बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था, उसने कोई नो कह दिन थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रखा करता था, और आज अभिमान उसमें झोंका तू है, अपने अहंकार वो बिचाड़े बैठेगा और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़न न होलेगी, जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ, वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़न न हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं, आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहा हो, और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो उसे, और अच्छी बड़ी आज वस्त्र भी आप लिए हुए सो, तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना। इसका कारण यह भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे, जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाए, चाहे नीचे मिलो चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो, तो हम उस समय ये देख कर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे युग युग बने सवान। जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरुआन नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बिठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें, क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया सेक नहीं। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते हैं, तो उसने जब राज, वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है, अकाय को महाराज मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है। कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बड़ाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, दो बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चषक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखन लगेगा दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी, यो के इंद्र का राज।
इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर में यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए, बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो वीरा संखों बार खेला पाने, पर ईब जो खेल खेलना वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलन का समय आ गया, आप सेलेक्ट हो लिए बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवानों पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने, महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा एक महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया, एक महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पैर रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती उसका छींट लग जाती है, उसको उसने तीन चार गालियां सुना दी वो जो आ रहा था, और साथ में एक शिष और सतगुरुओं का आ रहा था। तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया पहने पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है वो कपड़े साफ कर रहा? कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं, नहीं बताई क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा अरे वाह चौखा तेने बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडा उतकरी, ओहो आओ भगत जी राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो, बड़ा प्रसन्न हुआ बैठ के, सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो एक साल के बाद आना, भोजन पाया उठ के चला गया, एक वर्ष के बाद फिर आता है। वापिस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा, दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को जो उनकी शिष्या थी उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगाया जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में, ऐसा नहीं कहना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्यास रखी कि भी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देख कर कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया आपस चुप हो गया, गाली नहीं दी, अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता, कह दिया चाहे ना कह दिया भी तरले मत आई वह बात। तो उसको उस जमादारणी को भंगण को कहा था कि बेटी जो इसका आव भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया बैठ गया, महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राज कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूँ। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है, राजा छोड़ राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। अक सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहार किया कि अगर मैं राजा होता, अभी तो है बेटा तू राजा है इसको छोड़ दे, जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे, जीवित मरना इसी का है, जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है, अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया गरी कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डारो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौंका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती।
इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं कर। ये सतगुरु मैं कब आऊं, ये साल भर के बाद आना बेटा, एक वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था उस बंगंड को, कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवश्य के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना, जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डाल डल गया ऐसे जैसे धोखे से। ओह हो भाई मैंने ख्याल से निकला, माफ करना। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, ये तो माटी पर माटी पड़ी से, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं है। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, हमने बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी, इस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तू भगवान भजन जोगा होया से इब नाम जोगा कर। तो इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है, ये लंबा प्रकरण था, अभी हम उसको उसी स्थान पर आते हैं कि उस राजा ने राम राय ने जब वो सतगुरु गरीबदास महाराज की बाणी वासियर गांव के अंदर जिला लुधियाना पंजाब में सुनी सुबह सुबह, एकदम बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी के अंदर वो आकर्षण है कि ये परमात्मा की वाणी है और आत्मा जो है ये उसका अंश है कबीर साहब का, गरीबदास जी का, ये इसकी वाणी में इतनी आकर्षित हो। तो उसी समय सतगुरु की वाणी को सुनकर वो राम राय नाम का भगत एकदम आकर्षित हो जैसा कि अभी इतनी प्यारी वाणी, उसने चाहा कि अभी जाकर बैठ जाऊं, पर वो पहले घूम फिर के आया, आकर के महाराज के पास बैठ जाता है भगत जी के पास, जो कि वहां पर सतगुरु की वाणी का पाठ कर रहा था। काफी देर सुनता रहा, इतना आत्म विभोर हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो गया महाराज की वाणी को सुनने मात्र से। फिर उस राम राय ने पूछा, जब उस महात्मा ने उस संत ने अपनी वाणी को विराम दिया तो पूछा कि महाराज ये वाणी किस महापुरुष की है। तो वो संत कहने लगा कि मेरे पूज्य गुरुदेव की है। आपके गुरुदेव जी का क्या नाम है? कि गरीबदास महाराज, गरीबदास बंदी छोड़। कहने के बंदी छोड़ किसे कहते हैं? महाराज ने लिखा गरीबदास जी ने कि अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं, अमर करूं और सतलोक पठाऊं। सतलोक सचखंड नु कहंदे, वो पूछन लग्या कहां जी, वो सचखंड और वही सतलोक। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं, इस काल से जीव ने छुड़वाऊंगा, इस कर लिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। कबीर साहब ने गरीबदास जी के बारे में उस भक्त ने जानकारी दी। उन्होंने पूछा कि वो संत अभी शरीर में है या नहीं है? तो वो संत कहता है कि महाराज अभी शरीर में है और छुड़ानी गांव के अंदर, छुड़ानी गांव के अंदर है, जिला रोहतक में, तहसील बहादुरगढ़ के पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पता लिखवा दीजिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो कहता है बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी माता है, कबीर साध मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो पग आगे धरे वो सो सो यज्ञ समाने, कबीरा दर्शन साधु का साहेब आव यादे, लेखे में वो ये घड़ी भाई बाकी के दिन बाद। फिर कहते हैं कबीर साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहागे, दर्श उन्हीं को देते हैं भाई जिनके पूर्ण भागे। कबीर साहब तो गरीबदास ने लिखा है, गरीब जिन मिलते सुख उपजे, मिटे कोट उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो भाई वो परम स्नेही साधे। जिनकी मिलन मात्र से इतनी खुशी होती है, कह
कहते ऐसे संत को चाहे 14 भुवन में भी आपने किता मिल जाओ, वहां दर्शन करी आइए। इस वाणी को उद्देश्य रखते हुए वो राम राय जी चल पड़ते हैं गांव छुड़ाणी में। आए आके छुड़ाणी में पूछा कि गरीब दास महाराज कहाँ रहते हैं। गांव वाले कोई महाराज नहीं कहा करते बंदी छोड़ को, वो तो उस समय की बात है जो भगवान खुद आए थे। आज भी नन्ना मेरे ख्याल में 90% व्यक्ति छुड़ाणी के नहीं मानते गरीबदास जी, 90% और उस समय तब मानता कौन होगा। तो बाहर के भगत आए हुए थे। महाराज कहते हैं लाल तो परख है जौहरी और सबदा परखे साद और कबीर परख ले साधु ने ताका मता आघात। तो परमात्मा को परखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, संत को परखना। रामचंद्र जी आए उनको एक राजा माना, कृष्ण भगवान आए उसको एक गवाला माना, और उसके साथ कितनी दुष्ट आत्माओं ने आकर क्या क्या कुकर्म करने चाहे। उतना जैसी दुष्टा ने उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई और उसको मारण की खातिर अपनी दूधी के विसला के चल पड़ी। और उस चानोर कैसे नीच ने इतना बड़ा पहलवान था और उस 15 साल के बच्चे की गेला कुश्तीकरण की चुनौती दे दी। ऐसे ऐसे कंस कितने उदाहरण हमें मिलते हैं, पर उस समय हम नहीं मानते उनको जब वो मौके पर होते हैं। उनके जाए पीछे फिर वृंदावन की फेरी यानी गोवर्धन की फेरी देते फिर से वहां पर कृष्ण जी बैठे हैं क्या। यही हमारी भूल चौंध नहीं टूटती, इसको तोड़ने के लिए संत बार बार आते हैं। भाई जब वो शरीर में आते हैं तब तो तुम होशियार हो जाते हो, तब तो तुम सियाणे बन जाते हो और उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते हो। जब वो चले जाते हैं और फिर वहां उनकी मंडी बनाकर और वहां माथा टेकते फिरते हो, वहां परमात्मा नहीं है। परमात्मा के पाने की नियम्स है, ये इनके तरीके हैं कि उनके प्यारे हंस से संत से उपदेश लीजिए और फिर उसको उसका स्वरूप मानिए। अगर आत्म कल्याण चावस जो उनका नुमाइंदा संत है उनको उनका प्यारा स्वरूप समझो। महाराज कहते हैं कबीर साहब, कबीर मनु गुरु मानुष कर जानते वह नर कहिए अंध और महादुखी संसार में। फिर आ गए यम के फन। फिर साथ में कहा है कि कबीर गुरु मानुष कर जानते करें चरणा अमृत को पान और वो नर नरक में जाएंगे युग युग बने सवान। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम। तो उस समय तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते और फिर बाद में जब वो चले जाते हैं उनकी वहां पर यादगार बनाई जाती है, फिर मंदिर का रूप धारण कर लेती है, फिर हम जाकर के वहां पर अपनी जब वहां भी उसके बावजूद भी कुछ आपके कार्य सर जाते हैं, अगर वो हाजिर थे उस समय उनसे प्रेम आप कर जाते तो आपका सर्व कार्य सिद्ध होता। अब तो केवल वो धाम बन गया और धाम पर जाने का मत्था टेकने का केवल एक फल है, मुक्ति फल नहीं है। हम भी जाते हैं अपने धाम छुड़ाणी में, लेकिन वहां अगर हम बिना गुरु के जाते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। एक साधारण सा लाभ जैसे कोई पशु का ठीक हो जाना, जैसे आम देवी धाम पर जाते हैं, माता धाम पर जाते हैं, या अपने कोई अपना जो पितृ धाम होता है वहां जाते हैं, उनसे ज्यादा कार्य आपके छुड़ाणी में सर सकते हैं उस धाम पर जाने मात्र से। लेकिन जन्म मरण की बीमारी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज गरीबदास जी खुद कहते हैं कि पूजे देई धाम को और शीश हिलावे जो गरीबदास साची कह हद का फर है सो। बिना गुरु के संपर्क से कट जाने के बाद आप चाहे उस धाम में जाकर बस जाइए, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। और यही बीमारी हमारी खत्म नहीं होती जिसके कारण हम चौथे युग में चक्कर काट रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब हम साध मिलन को चलते हैं उस समय तो वहां पर कोई भी उसको गरीबदास महाराज जी को परमात्मा स्वीकार नहीं किए हुए था, आज भी नहीं है।
उस छोड़ानी के तो नहीं है। खुद गरीब दास महाराज की परंपरा के लोग भी आज दूसरी उपासना कर रहे हैं। कारण यह है कि उनको ज्ञान नहीं कि गरीबदास के प्रबल शक्ति थी। बाकी दूसरा गांव 90% व्यक्ति यही मान रहे हैं कि ये तो इनका दादा परदादा था, ये तो ज्यादा मानस है, थोड़े बहुत मान भी रहे हैं। वो मानते क्या है, पड़वासी वाले दिन अपने घर में खीर बना ली, रापे खा ली, ये मान हो रही से छुड़ानी के अंदर गरीबदासियों को मानने वालों की। और आज भी वो मूर्ख लोग जिन्होंने ज्ञान नहीं है वो भी केवल न्यू कैसे कि बस धाम में माथा टेक ले तेरा गुजारा ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगा। और यही कारण था कि 250 वर्ष हो गए बंदी छोड़ने, 350 वर्ष हो गए, उन्होंने उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया जो कि गलत मार्गदर्शन कर रहे थे। यही कारण था कि केवल 10-5 व्यक्ति गाँव में सिर्फ इतनी को छोटी मोटी मान के कुछ घर थे जो गरीबदास को वैसे स्वाभाविक जैसे आम लोग कहते हैं हम तो गास को मानते हैं, कोई कहते हैं द्वास को, तो वो कहते हैं हम पूर्णमासी को और छोड़ानी में जाते हैं बस। उनको ये नहीं मालूम कि वहां क्या परम शक्ति दबिया हुआ खजाना उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है। तो जब सतगुरु ने रजा करी, महाराज कहते हैं सतगुर नाल वड़ियाइयां दिन जाहे तिन दे, सतगुर नाल वड़ियाइया उस बंदी छोड़ के हाथ में बढ़ाई है वो किसने देवे से और किससे अपना काम करवावे से। आज उनकी कृपा से आज हरियाणा में कितनी मौज कर दी बंदी छोड़ ने। और अब तो ये एक विस्फोट हो चुका है बंदी छोड़ की असली वस्तु का, अब तो यू फैलता जा रहा है, इतना फैल रहा है कि ये तो यथार्थ वस्तु है। छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये वस्तु, ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे पूर्ण लाभ, पूर्ण मुक्ति हो सकती है। लेकिन वहां के वक्जन आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करे हुए। कारण यही है कि ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान देने वाला कोई जाता था तो उसकी रेणी में फर्क था, उसकी करणी में फर्क था। आप उसमें आचरण नहीं था, औरों को ग्रंथ साहब सुनाता था तो उसकी बात का असर 1-2 बार 1-2 साल हो सकता है, लेकिन असर उसका होता है जो खुद करे और दूसरे अन फिर करके दिखाओ। अब देखो भाई मन ने तो इसमत या ढूंढ के वस्तु पाई है, आप भी इसको ये लाभ उठा सकते हो। तो उसने पूछा वॉयस राम राय ने कि भाई गरीबदास महाराज से मिलना है। प्रथम तो वहां के व्यक्तियों ने मजाक कराया, जो बोला उस बौड़िए ने कैसे ना, वो बौड़िया है उस छोरी का छोरा, तो महाराज गरीबदास थी, उनके पिताजी करौथे के रहने वाले थे, वहां गरीबदासियों के छुड़ानी में मामा जी थे, यानी उनकी माँ थी छुड़ानी की लड़की थी वहां की, तो इस करके उसको रानी का लड़का कहा करते थे, भांजा कहा करते थे। बोलेरो बौड़िए न कैसे महाराज। अब उसने सोचा कि वैसे बंटता होगा, दूसरे जो साथ में था उसने बता दिया कि सामने चला जा भाई, और वहां गरीबू बैठा से बंदी छोड़ को इस भाषा में वो लोग बोलते थे, तो वो चला गया। वहां जाकर देखा कि महाराज गरीबदास जी घर पर नहीं थे, 5-4 भक्तजन आए हुए थे, तो उन्होंने से पूछा कि गरीबदास महाराज से मिलना चाहता हूं, मैं पंजाब से आया। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, आओ नाओ, स्नान करो, भोजन पाओ। घरवाले कहने लगे, तो वो कहने लगा मैं महाराज जी से मिलना चाहता हूं कि महाराज जी तो खेत में गए हैं, किस तरफ गए हैं जंगल में, कि बैठ जाओ आ जाएंगे, कितने देर में आओगे, अक ये मालूम नहीं, आवत ही बाजे में और ना आवत श्याम तक, ना उनकी मौज से। उन्हें सोचा जब इतनी दूर से आ गया हूं तो क्यों ना 10 कदम और खेत की तरफ डर लूं, इतना उतावला हो रहा था कि भगवान के दर्शन करूं। साधु दर्शन राम का, ईश्वरीय दर्शन होता है संत, इतना उतावला हो कहता है कि मुझे रास्ता बताइए, मैं खेत में मिल लूंगा भगवान से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहीं रुकिए, अग नहीं मुझे रास्ता बताइए। तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि इस प्रकार पश्चिम में ये दक्षिण की तरफ आप जाइए रास्ता खेतों में जाने का, और वहां से आप रास्ते में एक रहट मिलेगा, रहट के पास एक झोपड़ी है उसमें महाराज मिलेंगे। वो चल पड़ा, तो बंदी छोड़ रास्ते में आ रहे थे,
गरीबदास महाराज की वेशभूषा के थी कि धोती और कुर्ता, जैसा आम हरियाणा की वेशभूषा है व्यक्ति पहनते हैं, उस भाव में था आ रहे थे। तो उसने राम राय ने बंदी छोड़ से पूछा कि भाई मैंने महाराज गरीबदास का स्थान बताइए, बताते ही इधर खेतों में रहते आए हुए। अब सतगुरु महाराज ने सोचा कि जय मैं इसको अभी बता देता हूं कि मैं गरीबदास हूं तो ये मेरी बात एक नहीं सुनेगा, क्योंकि इसके मन में जो संत वेशभूषा हुआ कुछ और है। वो की सोच का आया था कि बहुत बड़े संत होंगे, सिर पर दाढ़ी बड़ी हुई होगी, लंबी जटा होगी, हाथ में कोई त्रिशूल होगा, कोई कपड़े होंगे तो गेरुआ होंगे, और नहीं होंगे तो तन पे एक लंगोटी होगी, एक कपड़ा छोटा सा होगा, और शरीर पर राख मसड़ रखी होगी। तो सतगुरु ने सोचा कि कहीं इस बेचारे का आना असफल ना हो जाए। बंदी छोड़ कहने लगे कि महाराज तो भाई आ जाओ मैं मिलाऊंगा आपको। वो कहता है मैंने सुना है खेतों में गए, कोई नहीं अब घर को जा रहे हैं। अब वो वापिस आ जाता है। सतगुरु महाराज जब घर पर आते हैं, जो भगत जन 10-5 वहां रहते थे, कुछ तो उनके नौकर थे सतगुरुओं के खेत में काम करने वाले, क्योंकि गरीबदास महाराज 2500 बीघे के मालिक थे। उस समय वो बीघा आज के 2.5 बीघे के बराबर, 2.75 बीघे के समान होता, जो कि एक किले से थोड़ा ही कम होता है, 2.5-3 बीघे का। ये 5 बीघे का किला है आजकल जो एकड़ बनी हुई है, तो वो 2.5-3 बीघे का 1 बीघा होता था, पुराना बीघा जिसको कहते हैं, जो उनका इतनी जमीन थी 2500 बीघा। बहुत से नौकर रहा करते थे सतगुरुओं के, कुछ वो थे। तो उन्होंने क्या किया कि आते ही महाराज के वो खड़े हुए, भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया। तो वो वायसराय ने सोचा कि यू है कि वो गरीबदास महाराज एक भगत के कान पर लाग कर नजदीक से पूछता है कि गरीबदास महाराज कौन सा है। कह रहे भोड़े ये तू साथ आया इनके, ये परमात्मा है गरीबदास महाराज।